मोहित खान का रसूख का अंदाजा आपने लगा ही लिया होगा। जिसकी बिल्डिंग में थाना चलता हो, जिसकी बिल्डिंग में बैंक हो, जो सांसद का करीबी हो, उसका इलाके में तो रसूख होता ही है। लेकिन कहा जाता है ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और एक चिंगारी ही आग लगाने के लिए काफी होती है। पीड़िता अति पिछड़ा समाज से आती है। जब इस बात की भनक स्थानीय समाज सेवी संगठनों और हिंदूवादी संगठनों को लगी तो उन्होंने इंसाफ के लिए अपनी आवाज उठाई। वे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। आरोपियों को सजा दिलाने के लिए बकायदा प्रोटेस्ट किया गया। पीड़ित परिवार को लेकर कलंदरपुरा थाने पहुंचे, जहां थाना इंचार्ज ने मुकदमा दर्ज किया। हंगामा हो चुका था, प्रोटेस्ट हो रहा था, अब तो मामला दर्ज करना ही था। साथ ही हिंदूवादी संगठनों के प्रेशर में कार्रवाई भी की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। मैं वहां गई थी बेकरी के पास, मोहित खान हमको बुलवाए अंदर, कहीं जीरा पापा ले लो। फिर पता नहीं क्या हमको कौन सी दवा खिला दी, हमको पता नहीं था। फिर मैं वहां बहुत देर रात तक रही, फिर वहां से वापस आई। लगातार ऐसे 2 महीने बुलाते थे, जीरा पापा देते थे, मेरे साथ गंदा काम करते थे। और 2 महीने बाद जब एक दिन और बुलाए तो फिर मैं बहुत रात भर वहीं रह गई। मुझे दवा खिला दिए, लोग मेरे साथ बलात्कार किए। तो मेरी मम्मी मुझे ढूंढते ढूंढते वहाँ बाद में हमको निर्वस्त्र पाई। तो ये सब मुझे जब पता चला तो मैंने कहा एप्लीकेशन नहीं दिया आपने, तो उसने कहा कि चौकी पर देते हैं, वहाँ मोहित खान आके बैठ जाते हैं, कुछ होता ही नहीं। तो मैंने कहा कि चलिए मैं लेकर चलती हूँ। तो मैं उनको लेकर के थाने पर गई, एप्लीकेशन दिया। तो यशो साहब ने कहा आप एक नाम हटा दीजिए, आपका मुकदमा अभी दर्ज कर देंगे। तो मैंने कहा नाम नहीं हटेगा, जब वो अपराधी है तो कैसे नाम हटा दें। हम लोग नाम नहीं हटाए, वहाँ बैठे रहे 4 बजे तक। जब मीडिया में सारा एप्लीकेशन घूमने लगा तब ये जाके एसपी सिटी के दबाव में मुकदमा लिखे। पीड़िता गरीब परिवार से आती है, उनकी माँ मजदूरी करती हैं, पिता का 2 साल पहले ही निधन हो गया। घर का गुजारा माँ और बहनों की मजदूरी से मिले हुए पैसों से ही चलता है। पीड़िता 4 बहनों में सबसे छोटी है। दूसरी तरफ आरोपी मोहित खान, वो बड़ा रसूखदार है, समाजवादी पार्टी का लोकल लीडर है और लोकल लीडर की साख तो कुछ ज़्यादा ही होती है हर तरीके के लोगों में। भदरसा में बेकरी शॉप चलाता है और उसकी कई सारी बिल्डिंग्स है जिसमें बैंक भी चल रहा है, पुलिस चौकी भी चल रही थी। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी बताया जाता है और ऐसे में पीड़ित परिजन डरे हुए हैं, वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हम इस समय अयोध्या में मौजूद हैं। अयोध्या में भदरसा इलाके में ये वही घर है पीड़िता का। हमारे साथ पीड़िता के जो भाई हैं और बहन है वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कैसे बेटा आप लोग को जानकारी मिली कि आपकी बहन को लेकर के गए हैं बहला फुसला के किसके नाम पे? वो खेत से निरा कर आ रहे थे तो वो बोला कि जीरा पापा लेकर जाओ, तो उन्हीं के साथ गंदी हरकत की। जीरा खिलाने के लिए बेकरी पे लेके गए, उसीलिए गंदी हरकत उन लोग के लिए। उसके बाद गंदी हरकत कर दी दोनों लोग, राजू और मोहित। आप इन लोग को पहले से जानते थे? पहले लोग घर आपके आते थे कभी? हाँ आते थे। कैसे पता लगा कि आपकी बहन के साथ गंदी हरकत की? बहन ने बताया क्या इस बारे में? बहन के पेट में ना धीरे धीरे दर्द होने लगा तो सब बात बताने लगी। ऐसे ऐसे है उसने बताया कि गलत हरकत हुई है। अब आप लोग क्या चाहते हो, इस मामले में क्या होना चाहिए बेटा? इस मामले में हम लोग चाहते हैं कि उनको बुलडोजर चलना चाहिए और दो लोग को फांसी देना चाहिए। पीड़ित परिवार में है भाई और बहन, उनका कहना है कि जो उनकी बहन है वो फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी कंडीशन जो है वो डेंजर से बाहर है, यानी कि खतरे से बाहर है। और सभी का कहना है पीड़ित परिवार में कि जो भी आरोपी हैं उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, उनके घर पर कार्रवाई होनी चाहिए और फांसी की सजा हो, ये कहना है पीड़ित परिवार में जो पीड़िता की बहन है और उनके भाई का। अयोध्या गैंगरेप के आरोपी मोहित खान को लेकर बीजेपी इस वक्त समाजवादी पार्टी पर अटैकिंग मोड में है। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट रखा। मोहित खान समाजवादी पार्टी का भदरसा नगर अध्यक्ष है और एक 12 वर्षीय पिछड़े समाज के बच्चे की गैंगरेप का मुख्य आरोपी है। घिनौने अपराध के आरोप पर सांसद अवधेश प्रसाद का भरोसे का हाथ है। आरोपी खास वोट बैंक का है और पीड़ित पीडीए का हिस्सा। अब सपा खामोश है, शायद लड़कों से गलती हो गई है। इससे पहले कल विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने ही समाजवादी पार्टी पर अटैक किया था। अयोध्या का यह मामला है,
जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। सीएम योगी कह रहे हैं कि मोहित खान सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी है, इसलिए समाजवादी पार्टी इस मामले में बड़े हल्के में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वो अखिलेश यादव पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन फैसलाबाद के समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि उन्हें घटना के बारे में अभी जानकारी नहीं है। सोचिए, उनके अपने संसदीय क्षेत्र में घटना घट जाए, उनके अपने करीबी के ऊपर इतना गंभीर आरोप हो, और वो ये कह रहे हैं कि उन्हें घटना के बारे में अभी जानकारी नहीं है। जो आरोपी है बच्ची के बलात्कार का, वो आपका करीबी बताया जा रहा है, आप जानते हैं उसे? अरे सुनो भाई, आप जो है ये बात जो पूछ रहे हो, मैं कल फैजाबाद अयोध्या जा रहा हूँ, जानकारी लूंगा कल। अरे भाई लेट मी शो। अवधेश जी तस्वीरें भी देखिए, आपकी तस्वीरें, तस्वीरें तो आपके भी साथ है, तस्वीरें तो जब से हम जीत के आए हैं, ये देखिए ना आपके साथ, सुनिए, जब से हम जीत के आए हैं, हजारों हजार लोगों की तस्वीरें, देश के तमाम राज्यों के लोग आ रहे हैं, रोज फोटो लेते हैं, कोई कहता हमें यहाँ हाथ रख दो, कोई कहता सिर पर रख दो, अब आप भी आए हैं, आपके साथ भी मेरा फोटो हो रहा है, तो सुनिए, नो सुनिए, सीएम का बयान आया है। सीएम को तो देखो ऐसा है, दिल्ली वाले परेशान किए हैं, एंड एट दैट टाइम माई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इज वेरी वेरी डिस्टर्ब, इसीलिए कल बोल गए हमें सम्मान मठ में मिलेगा। प्रभु श्री राम दिल्ली वालों को ऐसी बुद्धि दे कि हमारे चीफ मिनिस्टर को डिस्टर्ब, 12 साल की बच्ची है सर, 12 साल की बच्ची देखो रेप हुआ है, गर्भवती हो गई, नो राजू खान नहीं जानते ऐसा है, सुनो मैं जा रहा हूँ कल फैजाबाद जा रहा हूँ, जैसा आप लोग कह रहे हो, अगर ऐसी कोई घटना है तो कोई भी दोषी बचने न पावे, मैं जा रहा हूँ कल। सीएम से बड़ा तो कुछ नहीं होता, सीएम तो परेशान है, सीएम के पास मेरे पास दवा नहीं है, सीएम की दवाई तो भैया केंद्र वालों। आप सोचिए, ये उस इलाके के सांसद हैं, मामले की गंभीरता तक नहीं समझ रहे हैं, 12 साल की छोटी सी बच्ची के साथ इतना जघन्य अपराध किया गया, एक बार भी उन्होंने ये तक नहीं कहा कि मुझे इस घटना पर बहुत अफसोस है। बाकी बातें राजनीति करने के लिए तो तमाम बातें कहते, योगी आदित्यनाथ को दिल्ली वाले परेशान कर रहे हैं, उनके पास उसकी कोई दवा नहीं है, लेकिन उनके अपने क्षेत्र की एक छोटी सी बच्ची, अरे छोड़ दीजिए वो किसी भी जाति की आती हो, दलित हो, SC ST OBC हो या फिर सामान्य वर्ग से आती हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक बच्ची के साथ इतना जघन्य अपराध हो गया, और इतना हल्के में अवधेश प्रसाद बयान दे रहे हैं कि अभी एक दिन बाद वो जाएंगे तो मिलेंगे तो काम करेंगे, क्या सांसद का ये रवैया होना चाहिए? 2 दिन पहले यानी 31 जुलाई को जब अवधेश प्रसाद संसद से बाहर निकल रहे थे, तब भी उनसे जब सवाल पूछा गया तो उनका जवाब यही था, ढाक के 3 पात। मैंने भी कहा कि I am not aware of the fact unless until जब तक हमको कोई जानकारी न हो तो I am not able to say
आई एम नॉट एबल टू अटर एनीथिंग एनी वर्ड्स रिगार्डिंग मैटर। अब हम जानकारी ले लेंगे, जानकारी ले लेंगे तब कोई बात आपसे बता पाएंगे। सर लेकिन हर जगह मीडिया में ये बातें सामने हैं, फोटो वीडियो सब कुछ सामने है। लेट मी नो अबाउट दी एक्सीडेंट्स, अबाउट दी मैटर, व्हाट एवर यू लाइक टू आस्क मी, तो लेट मी इंक्वायर, लेट मी सी, तभी तो हम बोल पाएंगे। 31 जुलाई से लेकर 2 तारीख का दिन आ गया और अभी भी लेट मी नो, मुझे जानने दीजिए, मुझे जानकारी जुटाने दीजिए। अरे कैसे सांसद हैं फिर, अगर आपका सूचना तंत्र इतना कमजोर है कि आपको अब तक यही नहीं पता चला कि हुआ क्या। अयोध्या में गैंग रेप का मुख्य आरोपी मोहित खान, इसके ऊपर कार्रवाई की गई है। सोचिए जरा, स्थानीय सांसद, उनके क्षेत्र में एक पीड़िता के साथ गैंग रेप हुआ, रेप का आरोप उनके करीबी पर लगा, लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बाद भी वो ये कह रहे हैं कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है। वो वजह बता रहे हैं कि जब वो क्षेत्र में जाएंगे तो वो जानकारी जुटाएंगे। सोचिए, युग तो संचार क्रांति का है, फिलिस्तीन और इसराइल में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, ये मिनटों में जान लेते हैं, लेकिन सांसद जी अपने ही संसदीय क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं जुटा पा रहे हैं। इसलिए तो यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद भी समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम कार्ड खेलने का आरोप लगा रहे हैं। का नेता ही नहीं है, वर्तमान सांसद जी के संरक्षण में पलने वाला है और उनके पिछले सरकारों के समय से उसके घर में पुलिस चौकी भी चल रही थी, हमारे संज्ञान में आने के बाद रात में पुलिस चौकी है, और वो अभी संरक्षण दे रहे हैं और उसके तरफ से सपा नेता पैरवी भी कर रहे हैं। और अगर इसी तरह से रात पूरे देश में, प्रदेश में निषाद गाँव में समाजवादी पार्टी को घुसने का लेवी लग जाए, और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, एक तो सपाई है वह विशेष वर्ग का है, हम लोग दंगा नहीं चाहते, उसे सपा उस पर जो है सपा के नेता उस पर पैरवी कर रहे हैं। अब विशेष वर्गों में इस तरीके का संरक्षण देना सपा बंद करे, नहीं तो ये उत्तर प्रदेश है यहाँ आज वो है। मैं तो सभी दलों से और सबसे अपील किया कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के नाते ऐसे जगहों पर जहाँ इस तरह का न्याय होता है बच्चियों के साथ, वहाँ मतलब जाना और सार्वजनिक करना उचित नहीं है, लेकिन न्याय बहुत जरूरी है। अयोध्या में गैंगरेप का मुख्य आरोपी मोहित गिरफ्तार है, उस पर पुलिस की कार्रवाई अब शुरू हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का भरोसा भी दिया है, लेकिन सवाल अखिलेश यादव पर है, वो अपने नेता पर एक्शन कब लेंगे, क्या उनके लिए महिला सुरक्षा से ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक जरूरी है।